गांव देहात, उपेक्षित पिछड़े इलाकों और सीमांत दुर्गम जंगली क्षेत्रों में बनी जहरीली अवैध सस्ती शराब पीने वाले अनगिनत लोग गाहे बगाहे अस्पताल पहुंचते रहते हैं, जिन पर इसके जहर का ज्यादा असर होता है वे तो अस्पताल की देहरी भी नहीं छू पाते, मगर अवैध शराब की बिक्री रोकने को लेकर शासन प्रशासन का रवैया हर जगह कमोवेश एक जैसा है। किसी बड़ी घटना के बाद चंद दिनों तक सरकार की सख्ती इस रूप में दिखाई देती है कि मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर कुछ रकम थमा दी जाती है। अवैध शराब भट्टियों की तोड़फोड़ और इक्का दुक्का शराब माफिया की गिरफ्तारियों की रस्मी कवायद के बाद एक बार फिर किसी और जगह यह किस्सा दोहराए जाने तक पूरा तंत्र पहले की तरह सो जाता है। अहम सवाल यह है कि जहरीली शराब के ऐसे हादसे अक्सर देश के पिछड़े और उपेक्षित इलाकों में ही क्यों होते हैं? गरीब मजदूर तबका ही इसका शिकार क्यों बनता है? इसका एक आसान जवाब तो हर कोई जानता है कि सरकारी ठेकों के बजाय सामान्य परचून की दुकानों और ढाबों आदि पर बिकने वाली ऐसी देसी शराब की गुणवत्ता जांचने का चलन अपने देश में नहीं है। यह धंधा पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से चलने वाले शराब माफिया के लंबे चौड़े नेटवर्क की देन है, मगर इसकी निगरानी से जुड़े तंत्र का हर पुर्जा इसे देखकर भी तब तक अनजान बना रहता है जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आखिर यह माफिया बिहार जैसे शराबबंदी वाले राज्यों के बड़े इलाके में भी लोगों को सस्ती शराब कहां से और कैसे मुहैया करा पाता है? साफ है कि पुलिस और आबकारी विभाग के कारिंदों की रिश्वतखोरी और पैसे रसूख के बल पर हासिल राजनीतिक संरक्षण के चलते यह नेटवर्क जैसे चाहे जहां चाहे शराब खपाने में समर्थ है। क्या सरकारों ने कभी इस सवाल पर विचार किया है कि सस्ती शराब के जहर का शिकार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मजदूर गरीब तबका ही क्यों होता है? चूंकि गरीब की ही शराब जहरीली होती है, लिहाजा कुछ दिनों तक ऐसी घटनाओं पर मातम पुरसी के लिए तंत्र की लापरवाही, शराब माफियों की ऊंची पहुंच और उसके लालच का जिक्र होता है, जो शराब में मेथेनॉल की जानलेवा मिलावट कर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। आम लोग भी ऐसी घटनाओं पर अक्सर ऐसी उपदेशात्मक टीका टिप्पणी करके खामोश हो जाते हैं कि ये बेचारे लोग क्यों शराब पीना छोड़ नहीं देते या सरकारी ठेके पर कतार में लगकर महंगी शराब क्यों नहीं खरीदते या फिर पियोगे तो मरोगे ही, जबकि बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि एक उपभोक्ता के रूप में गरीबों को भी कम कीमत वाली
लेकिन सुरक्षित और मुहर बंद शराब खरीदने और उसके सेवन का हक है। गौरतलब है कि पश्चिमी देशों में तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की तरह शराब भी एक उत्पाद है, लिहाजा वहां इसकी गुणवत्ता, कीमत आदि की निगरानी खान पान की दूसरी वस्तुओं की तरह होती है, जबकि हमारे देश में सरकारें इसे सामाजिक नैतिकता से जोड़कर देखती हैं। बिहार में वर्ष 2016 में घोषित की गई और अब तक लागू शराबबंदी के पीछे यही नैतिकतावाद का फलसफा नहीं तो और क्या था। विडंबना है कि हमारा समाज भी इससे होने वाले हादसों को देखकर एक द्वंद में फंस जाता है और पूर्ण शराबबंदी जैसे उपायों की मांग कर बैठता है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में शराबबंदी को लेकर महिलाओं तक ने आंदोलन चलाए और इनके असर से गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और लक्षद्वीप में सरकारों ने शराबबंदी कर रखी है। पर इसकी एक सच्चाई यह है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हमारे समाज में आधुनिकता के नाम पर शराब की स्वीकार्यता बढ़ी है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 186 जिलों में 2,00,000 से ज्यादा घरों में कराए गए सर्वे में पता चला था कि देश में शराब का सेवन करने वालों की संख्या 16 करोड़ है। शराब पीने वाले 10 से 75 साल आयु वर्ग के ऐसे लोगों का प्रतिशत 14 निकलता है, जो साबित करता है कि अगर लोगों को वैध ढंग से सस्ती और गुणवत्ता वाली मुहरबंद शराब मिले तो इससे होने वाले हादसों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। असल में शराबबंदी के प्रयास और ऐसे संकल्प व्यावहारिक समस्याओं के कारण ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, जिससे समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। यहां उल्लेखनीय है कि पाबंदी के बावजूद बिहार में राज्य आबकारी निगम के अंतर्गत बनाई और बेची जाने वाली विदेशी किस्म की शराब छूट के दायरे में है। इससे यह मत बनता है कि सामाजिक रूप से देसी शराब ही ज्यादा नुकसान की वजह बनती रही है। निसंदेह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग रास्ते में मिलने वाली देसी शराब का सेवन करते रहे हैं, जिससे पारिवारिक कलह और उनके आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं तो पैदा हुई ही हैं। मौतों का आंकड़ा भी काफी रहा है। शराब पर प्रतिबंध के ज्यादातर उपायों के नाकाम रहने के दो कारण हैं। पहली वजह यह कि वे ज्यादातर अव्यावहारिक होते हैं और दूसरी वजह है कि सरकारें इस समस्या को तात्कालिक नजरिए से देखती हैं, दीर्घकालिक नजरिए से नहीं। इसलिए लगता है कि शराबबंदी लागू करने और संकल्प लेने के पीछे परोक्ष भाव उपदेशात्मक हैं, यानी लोग खुद शराब छोड़ दें या विदेशी शराब महंगे दामों पर खरीदें। स्टॉप।